हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 2 का डी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, इसमें P को बहुपद G से, P में बहुपद G से क्या करना रहा दोस्तों? भाग देना है तथा जो आएगा भागफल व शेषफल वही लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक दिया है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 3x² माइनस 1। ठीक है, और तथा क्या दिया है? तथा जी एक्स बराबर 1 प्लस x। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुपद px में gx से क्या कर देनी है? भाग कर देनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आपको भाग का रूल समझा देते हैं कि कैसे भाग करनी है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर एक। सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है, बनाने के बाद लिख देना, इस तरफ लिख देना है। पहले सबसे पहले बड़े वाले घात को लिखना है हल में, हल करते समय सबसे पहले बड़े वाले घात को लिख लेना है। तो सबसे बड़ा वाला घात क्या है? 3x². उसके बाद क्या लिखना है? x - 1। इस तरफ p को लिखना है, बहुपद p को लिखना है, इस तरफ किसको लिखना है? g को लिखना है, g। तो बहुपद g इस तरफ क्या हो जाएगा? x + 1। ठीक दोस्तों, हमेशा छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करनी होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चलिए देखिए, यहां कितना दिख रहा है दोस्तों? 3x², यहां कितना दिख रहा है? x। हमेशा ऐसा यहाँ पे भागफल ले जाना है आपको कि जो पहला अंग हमेशा पद जो कट जाए। तो पहले देखिए यहाँ क्या है, 3x² है, तो यहाँ देखिए 3x² ऐसे लिख लीजिए। अब किससे भाग, यहाँ देखिए यहाँ x है ना, तो इसमें x लिख लीजिए, एक x से एक x कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ ऊपर एक x बचेगा। ठीक है, यानी हम कितनी बार जाएंगे दोस्तों? ऊपर हम 3x बार जाएंगे। ठीक है, कितनी बार जाएंगे? 3x बार। अब जितनी बार जाएंगे 3x का, इसमें हम क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। पहले यहाँ का मान निकालने के लिए हम इस तक पी, यानी जो पी का मान दिया रहेगा बहुपद पी का पहला पद और दूसरा जी का पहला पद लेके इसमें भाग करेंगे, जो आएगा वही भागफल में जाएगा। ठीक दोस्तों, या तो इससे एक घात कम करके लिखिए, यहाँ x देख लीजिए, यहाँ x पहले से, यहाँ x घात है 2, एक घात कम करके लिखेंगे 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3x से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 3x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 3x² और 3x का एक में करेंगे तो +3x। ठीक दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है? घटा देना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस। और ये देखिए प्लस में ये माइनस में ये क्या हो जाएगा? पहला कट जाएगा, हमेशा पहला कटना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब क्या बचेगा? -3x यहाँ पे, ऊपर कितना है? +x, तो घट जाएगा, कितना बचेगा? -2x और माइनस कितना है दोस्तों? 1। अब ध्यान दीजिए कितनी बार जाएगा, इसका पहला मान कितना है? -2, तो यहाँ लिखिए -2x और इस तरफ कितना था? हमेशा इसका पहला पद लेना है x, तो x लिखिए, x से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? -2। तो इस तरफ कितनी बार जाएगा? यहाँ पे -2। ठीक है, अब -2 का हम x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -2x और -2 का एक में करेंगे तो 2 × 1 = 2। ठीक दोस्तों, अब क्या करनी है देखिए, फिर घटा देनी है। इतना करने का क्या करेंगे, जहां घटा, जहां देखिए माइनस रहेगा वहां क्या हो जाएगा? प्लस, और जहां प्लस रहेगा वहां क्या हो जाएगा? जहां माइनस रहेगा वहां प्लस। ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस, यहाँ क्या हो गया दोस्तों? प्लस हो गया। ठीक है, अब -2x और +2x से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, दो में से एक घटे, कितना चाहिए दोस्तों? 1 बचेगा। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या पूछा है? भागफल तथा शेषफल पूछा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए भागफल, भागफल। तो भागफल कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ है 3x - 2,
और शेषफल कितना है, शेषफल लिख लीजिए, शेषफल आपका आया है एक, ये जो लास्ट में आया आपका क्या बचा दोस्तों, शेषफल, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर आपका दो दिया है, पी एक्स बराबर दिया है x³ + 3x² - 12x + 4 तथा जी एक्स बराबर दिया है दोस्तों, जी एक्स बराबर दिया है x - 2। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुपद क्या करना है, बहुपद p में किससे भाग देना है, बहुपद g से, इसमें आपको भाग करनी है, भाग करने के बाद आपको भागफल तथा क्या बतानी है दोस्तों, शेषफल बताना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। लिखिए यहाँ पे हल। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक एल्गोरिथम बना लीजिए। बनाने के बाद आपको p को इस तरह लिख लेना है, px को यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x³ + 3x² - 12x और +4। ठीक दोस्तों, अब x माइनस टू इसमें क्या करनी है, भाग करनी है, तो यहां पर आप लिख देंगे x - 2। ठीक, अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हम आपको बताएं, इसका पहला मान लिख लीजिए। देखिए यहाँ कितना है x³, तो x³ लिख लीजिए और यहाँ कितना है पहला x, तो इससे पहला पद इस तरफ कर लेंगे, पहला पद उसका लेंगे, तो x से देखिए x³ काटेंगे कितना हो जाएगा x² एक x कट जाएगा तो x² यानी हम कितनी बार जाएंगे दोस्तों, x² बार जाएंगे। ठीक है, अब x² जितनी बार जाते हैं उसका हम x में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x² का हम x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x³, अब x² का 2 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, -2x². ठीक है, चलिए देख लीजिए अब क्या होगा, जहां प्लस रहता है वहां माइनस, जहां माइनस रहता है वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। ठीक है, इतना समझा। अब देखिए x³ से x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां देखिए 3x² प्लस में, यहां भी 3x² किस में, प्लस में, तो 3x² और +2x² क्या हो जाएगा, +5x² और माइनस क्या 12x और +4। ठीक है दोस्तों, पूरा उतार लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पहला पद कितना है 5x², तो 5x² ऐसे लिख लीजिए, भाग किससे देनी है, x से पहला पद x है तो x से x एक कटेगा तो एक x बचेगा, तो बगल 5 भी है तो 5x कितना बार जाएगा दोस्तों, 5x। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए +5x। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम प्लस क्यों लगा रहे हैं पता है, क्योंकि इसके साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस रहेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 5x का हम x में गुणा करेंगे, तो 5 का हम जब करेंगे तो 5x क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब 5x का 2 में करेंगे तो 5 × 2 = 10x। ठीक है दोस्तों, 10x हो जाएगा। अब आपको क्या करनी है, फिर ऐसे लाइन खींच लेनी है, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस कर देना, जहां माइनस रहेगा वहां पे क्या कर देना दोस्तों, प्लस कर देना, तो यहाँ प्लस यहाँ क्या कर देना है माइनस, यहाँ माइनस यहाँ तो क्या कर देना है प्लस। ठीक है, तो 5x² से 5x² इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है 12x, यहाँ कितना 10x, तो 12 में से 10 से घटाएंगे कितना चाहिए दोस्तों, -2x और +4। अब ध्यान दीजिए यहाँ x है, यहाँ भी क्या है x, तो x से x कट जाएगा कितना बार जाएगा दोस्तों, -2, जिससे इसका पहला पद क्या है -2x बचा है, और यहाँ कितना है x, तो x से x कट जाएगा कितना चाहिए दोस्तों, -2, तो यहाँ कितनी बार जाओगे -2 बार, तो -2 बार जाओगे क्या आएगा -2x और प्लस माइनस माइनस +2 × 4। ठीक दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, इसको जहां माइनस वहां क्या कर देंगे प्लस, और जहां प्लस वहां क्या कर देंगे माइनस, तो -2x से +2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 प्लस में 4 माइनस में ये भी 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे आपसे भागफल और शेषफल पूछा है, तो लिख दीजिए भागफल, भागफल बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, x² + 5x - 2 और था शेषफल कितना निकलेगा, शेषफल
तो शेषफल आपका निकला दोस्तों जीरो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन है आपका पी टी बराबर, पी टी बराबर टी का क्यूब माइनस थ्री टी का स्क्वायर माइनस टी प्लस थ्री, ठीक है, और तथा जी टी बराबर दिया है, तथा जी टी बराबर दिया आपका टी स्क्वायर माइनस फोर टी और प्लस थ्री। ठीक है दोस्तों, आपको पी बहुपद में जी बहुपद से क्या करनी होती है, भाग देनी होती है। तो चलिए बी, ये क्या बहुपद दिख रहा है, पी बहुपद दिख रहा है, और ये कैसा बहुपद दिख रहा है, जी। तो पी में जी बहुपद से आप क्या करिए, भाग कर दीजिए, और जो भागफल शेषफल आएगा वही लिख देना है। तो चलिए हम हल कर लेते हैं, यहाँ पे लिखिए आप हल। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, सबसे पहले आप एल्गोरिथम बना लीजिए। एल्गोरिथम बनाने के बाद क्या करनी है आपको, सबसे पहले इसको यहाँ पीटी को लिख लेना है। पीटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी का क्यूब माइनस थ्री टी का स्क्वायर माइनस टी और प्लस कितना दिया है, थ्री। ठीक है दोस्तों, और क्या किससे भाग देनी है, टी स्क्वायर माइनस फोर टी और प्लस थ्री। ठीक, अब क्या करनी है, सबसे पहले देखा जाए तो यहां क्या दिया है, टी क्यूब, यहां क्या दिया है, टी स्क्वायर। तो पहले से दो पूर्ति हो जाएगी, यानी एक कम कम, टी स्क्वायर से टी क्यूब में जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक टी स्क्वायर कट जाएगा, एक टी बचेगा। इससे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टी क्यूब, और यहाँ क्या दिया है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर टी क्यूब काटेंगे तो एक टी बचेगा। ठीक है दोस्तों, जब एक टी बचेगा तो आपको क्या करनी है, जो टी बचेगा उतनी बार ही यहाँ पे हमको जानी थी, यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा। अब टी का इसमें गुणा करेंगे, पहला हमेशा काटना होता है, इतना याद रखिएगा। टी का अगर हम टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के घाते तीन। टी का फोर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर टी का स्क्वायर, और टी का थ्री में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, थ्री टी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां देखिए प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस घटाने पे। ठीक है दोस्तों, अब टी क्यू से टी क्यू इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा के यहाँ पे प्लस फोर टी स्क्वायर, यहाँ माइनस टी स्क्वायर, तो फोर में से थ्री घटेगा तो कितना बचेगा, ओनली टी स्क्वायर। अब यहाँ बचा है माइनस थ्री टी, यहाँ बचा क्या, माइनस टी, तो माइनस थ्री टी माइनस टी कितना हो जाएगा, माइनस फोर टी, और प्लस कितना, थ्री। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, यहाँ देखिए टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री हो गया, यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर, दोनों का मैच कर रहा है। तो यदि हम टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से हमेशा क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा, टी स्क्वायर टी एक आ जाएगा, टी स्क्वायर कटेगा, तो यानी हम कितनी बार जाएंगे यहाँ पे, प्लस एक बार जाएंगे। एक का टी स्क्वायर गुणा करेंगे कितना है दोस्तों, टी स्क्वायर, एक का माइनस फोर टी में करेंगे तो माइनस फोर टी, एक का थ्री में करेंगे तो कितना है दोस्तों, थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं, घटाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, जहां माइनस रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखा जाए फोर टी प्लस में है, फोर टी माइनस में, फोर्टी से फोर्टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थ्री प्लस में थ्री माइनस में, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा दोस्तों, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, भाग फल। तो भाग फल क्या आ जाएगा दोस्तों, टी प्लस वन, ठीक है, और शेषफल शून्य आ जाएगा। समझ आया दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार दिया है आपका, पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर एक्स घाते फोर प्लस वन, और जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन। ठीक है दोस्तों, पी एक्स बराबर दिया है एक्स घाते फोर प्लस वन, और जी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस वन। आपको क्या करनी है, यहां से पहले हल लिखिए, हल करने के बाद आपको क्या करना है, पी एक्स में
जी एक्स से क्या कर देनी है, भाग कर देनी है। तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम बनाइए, सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। एल्गोरिथम बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स के आते 4+1, किससे भाग करनी है, एक्स प्लस वन से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना दिया, एक्स घाते 4, यहाँ पे एक एक्स दिया है, यानी एक घात यहाँ पे हम कम करके लिखेंगे, तो एक्स घाते कितना लिखेंगे, 3। एक्स घाते 3 का हम एक्स में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स में घाते 4। ठीक है, हमेशा पहला मान जो होना चाहिए वो कटना चाहिए, पहला पद हमेशा कटना चाहिए। अब एक्स क्यूब का हम किस में गुणा करेंगे, 1 में, तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब क्या करनी है आपको, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको अब करनी है, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस रहेगा वहां पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो गया। ठीक है, एक्स घाते 4 से एक्स घाते 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा उसको क्या लिख लीजिए, माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक्स क्यूब बचा है, यहाँ कितना है, एक्स है, देख लीजिए एक्स क्यूब बटे माइनस बचा है, माइनस एक्स क्यूब और बटे क्या, एक्स, एक एक्स से एक एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक एक्स कटे स्क्वायर बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे तब एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का एक में करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब जहां माइनस रहेगा वहां पे प्लस कर देना, जहां प्लस रहेगा वहां पे माइनस कर देना है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ भी माइनस है यहाँ तो क्या हो जाएगा, प्लस घटाने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। अब बचा क्या आपका, उसको लिख लीजिए, यहाँ बचा है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स पहले से है, यानी एक बार कम जाइए, तो एक बार कम जाएंगे तो क्या जाएंगे, एक्स, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स में एक में गुणा करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करनी है, फिर घटा लेते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब कितनी बार जाएंगे, यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स, एक्स एक्स कटेगा लेकिन माइनस में है तो माइनस 1 बचेगा। ठीक दोस्तों, इसे देखिए एक्स माइनस है यहाँ पे, और किसी बात ना, एक्स 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 कटेगा कितना चाहिएगा, माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 बार जाएंगे तो माइनस 1 का यहाँ गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1 एक का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिये एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, एक से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब हमें आपको भागफल बताना है और शेषफल, तो यहाँ पे लिख दीजिए भागफल कितना आया, भाग फल, तो भागफल कितना आया दोस्तों, यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। अब क्या बताना है आपको, शेष फल, तो यहाँ पे शेषफल सब करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो शेषफल बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में, सॉरी दोस्तों, यहाँ एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो एक एक कितना हो गया, 2, यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए देख लेते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तथा जी एक्स बराबर दिया आपका एक्स प्लस 3। ठीक है दोस्तों, पी बहुपद पी एक्स में जी एक्स से भाग करना है, भाग करने के बाद आपका भागफल तथा शेषफल बताना है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे, चलिए हल कर लेते हैं। पहले इसको इधर के क्या लिखे, जी एक्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस क्या है, 1 है। ठीक दोस्तों, और जी एक्स से भाग करनी है, यानी x प्लस 3 से हमें क्या करनी है, भाग करनी है।
तो सबसे पहले इधर क्या दिया है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे x प्लस कितना है 3, तो पहले एक बार कम जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर बार जाएंगे तो x स्क्वायर का यहाँ गुणा करेंगे x में कितना हो जाएगा x घाते 3, x स्क्वायर में 3 में करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और अब क्या करेंगे घटा देंगे, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, जहां प्लस रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये बचा 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर कटेगा कितना जाएगा दोस्तों माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा वाला 3 माइनस में तो माइनस लिख दिया जाएगा यहाँ पे, और बचेगा माइनस 2x और प्लस 1। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स पहले से है, तो यानी एक ही एक कम करके जाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक कम कर देंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, और यहाँ 2 तब एक्स लगाएंगे। ठीक दोस्तों, माइनस 2x, तो माइनस 2x का गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा दोस्तों माइनस 2x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6x। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना है 6x में से 2x घट जाएगा कितना बचेगा 4x और प्लस 1। अब देखिए यहाँ x यहाँ भी है, x यहाँ भी, यानी x से x कटेगा कितना बचेगा सिर्फ 4, तो प्लस 4 बार जाइए यहाँ से, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा 4x, और यहाँ देखिए इसके पहले प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा, अब 4 तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों इसको घटा लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x से 4x क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 12 में से एक घटे कितना चाहिए दोस्तों माइनस 11। अब यहाँ आपका निकलेगा क्या भाग फल, तो भाग फल बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और शेष फल बराबर क्या हो गया दोस्तों माइनस 11, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है पी एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 2√8x − 6 तथा जी एक्स बराबर दिया है दोस्तों जी एक्स बराबर x − √2। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसको हम p बहुपद p में बहुपद g से भाग करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए यहाँ पे हल लिखिए, हल लिखने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले बहुपद देख लेना है, तो बहुपद क्या है पी एक्स, तो पी एक्स को हम पहले बना लेंगे, इसे शुद्ध कर लेंगे, थोड़ा कुछ बनाना है इसमें, तो 7x स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे माइनस, अब देखिए यहाँ पे कितना है करड़े अंदर 8 है, 8 को अगर हम यहाँ देखा जाए ऐसे रूट में कितना है 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4 × 8, देखिये 2 मिल रहा है। ठीक है, तो 2 बाहर हो जाएगा करणी के अंदर कितना चाहिए 2, तो 2 यहाँ बाहर निकला और 2 यहाँ पहले से है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, रूट में कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, और बगल में एक्स माइनस 6, समझ आए। अब देखिये जी एक्स बराबर क्या दिया उसको लिख लीजिए, जी एक्स बराबर दिया एक्स माइनस रूट में 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाग करेंगे, तो क्या दिया है 7x² − 4√2x − 6, किससे भाग करना है x माइनस रूट में 2 से भाग करनी है, तो चलिए भाग करते हैं। यहां देखिए कितना है, जितनी बार दिया गया उसको हम करके पहले क्या करेंगे भाग बार जाएंगे, यहां देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पे एक x पहले से है, तो एक x कम करके जाएंगे तो ए, और यहाँ इसके पहले कितना है 7, तो 7 भी लिख लेंगे, तो 7x का x में गुणा करेंगे कितना है दोस्तों 7x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 7x का आप किस में करेंगे माइनस में, तो माइनस ऐसे रहेगा 7x का करणी के अंदर 2 में करेंगे तो 7 करणी के अंदर 2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो जहां क्या है प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस, जहां प्लस है माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 7x² से 7x² क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 करणी के अंदर 2x और माइनस 4 करणी के अंदर 2, 7 में से 4 घटे कितना चाहिएगा दोस्तों 3 करणी के अंदर 2x माइनस क्या 6, समझा दोस्तों। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कितनी बार जाना, इसके पहले कितना दिख रहा है आपको x, यहाँ भी x है, जो बचेगा पहले उसको उतनी बार चले जाएंगे, क्या बार जाएंगे 3√2 बार जाएंगे,
तो थ्री रूट में टू का यहाँ गुणा करेंगे क्या आएगा एक्स में, थ्री रूट में टू बगल में क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तीन का, इसके पहले कितना एक तीन एक का तीन और रूट में टू से रूट में, देखिए यहाँ पे दोस्तों तीन कर्णी के अंदर दो है और जो कर्णी के अंदर दो से गुणा होगा उसमें, तो कर्णी में समान अगर रहता है कर्णी में तो कर्णी हट जाती तो कितना बचेगा दो बचेगा ठीक है, तीन दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों छह, यानी तीन कर्णी के अंदर दो का हम कर्णी के अंदर दो में गुणा करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे छह आ जाएगा ठीक है। अब इसको घटा देंगे यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा। अब देखिए छह से छह भी क्या हो जाएगा कट जाएगा ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना आ जाएगा शून्य आ जाएगा। तो देखिए अब आ जाएगा आपका भागफल, तो भागफल आपका आ जाएगा सेवन एक्स प्लस थ्री रूट में टू और शेषफल आपका आ जाएगा शून्य ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सोना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात दिया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, वही प्रोसेस इसमें भी है दोस्तों, भागफल तथा क्या ज्ञात करना है शेषफल ज्ञात करना है। तो सातवां देखिए, सातवां सेम सेम वैसे ही है, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो सातवें का पहला ध्यान दीजिए, सातवें का पहला दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री ठीक है दोस्तों, और जी एक्स बराबर दिया है, जी एक्स बराबर दिया है क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू ठीक है। अब हम क्या करेंगे पी एक्स में जी एक्स से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो चलिए अब हम हल करते हैं, सबसे पहले आपका काम रहेगा एल्गोरिथम बनाना, सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा दोस्तों एल्गोरिथम बनाना। तो यहाँ पे आप पहले क्या बनाइए एक एल्गोरिथम बना लीजिए, एल्गोरिथम बनाने के बाद क्या करना है आपको ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको लिख लीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और माइनस थ्री ठीक है, किससे भाग करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से भाग करनी है। अब ध्यान दीजिए इसमें भागफल तथा क्या बतानी है शेषफल बतानी है, तो यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से है ठीक है, तो एक बार हम यहाँ दो एक्स है यहाँ पे एक्स घाते दो है, यहाँ एक्स घाते दो है यहाँ एक्स घाते कितना है तीन है, यानी एक यहाँ पे कितना दो पहले से है घात में, यानी एक दो कम करके जाएंगे जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ से हम कम करके जाएंगे ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ कितना आएगा एक्स आएगा, एक्स बार जाएंगे तो एक्स का हम गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स का टू में करेंगे क्या आएगा माइनस टू एक्स ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा ठीक है। अब जो बचेगा उसको लिख लीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ बचेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, सबसे पहले बड़े वाले घात को लिखते हैं उसके बाद देखिए यहाँ प्लस टू एक्स यहाँ प्लस फाइव एक्स है, तो प्लस टू और प्लस फाइव कितना हो जाएगा सेवन एक्स ठीक दोस्तों, और माइनस क्या हो जाएगा थ्री समझ आया दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, अब देखा जाए यहाँ पे ये फाइव एक्स किसमें हो गया इतना हो गया, अब देखिए यहाँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचे कितना माइनस थ्री, तो कितनी बार जाएंगे माइनस थ्री बार जाएंगे ठीक है, जो माइनस थ्री बार जाएंगे तो यहाँ माइनस थ्री का गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तीन दूनी छह हो जाएगा ठीक है दोस्तों। अब क्या करनी है आपको ध्यान दीजिए, या थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा बचेगा सेवन एक्स, और यहाँ पे जब ये घटाएंगे यहाँ माइनस का प्लस हो जाता है यहाँ प्लस का माइनस हो जाता है ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेवन एक्स और माइनस कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा ठीक है, सेवन एक्स और कितना हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा समझ में कैसे किया दोस्तों, यहाँ देखिए प्लस का माइनस हो गया यहाँ माइनस पहले से था, तो सेवन एक्स माइनस नाइन आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका भागफल क्या निकलेगा दोस्तों देख लीजिए, भागफल हो गया आपका x माइनस थ्री और शेषफल निकलेगा आपका सेवन एक्स माइनस नाइन, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा ठीक है। देखिए दोस्तों सातवें का दूसरा नंबर, सातवें का दूसरा है पी एक्स बराबर एक्स के घाते फोर
माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। उसके बाद जी एक्स बराबर दिया है x² प्लस 1 माइनस x। ठीक है दोस्तों, इतना आपको दिया है। अब आपको करने क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एल्गोरिथम बनाना है। एल्गोरिथम बनाने के बाद आपको क्या करना है, बहुपद P में G से क्या करनी है, भाग कर देनी है। जो आएगा भागफल तथा शेषफल उसको लिख देना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x^4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब इधर देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x², उसके बाद हम माइनस एक्स को लिखेंगे, तब प्लस एक को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, भाग करनी है। तो भाग करेंगे x घाते 4 है ना, दो यहाँ दो बार पहले है, x घाते 2 है, इन्हें हम दो कम करके जाएंगे। तो x घाते 4 में से 2 कम करेंगे, x घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x घाते 2 का गुणा x घाते 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, x घाते 4 आ जाएगा। ठीक है, अब x² का x में करेंगे कितना जाएगा, x घाते 3 आ जाएगा। ठीक है, और x² का एक में करेंगे क्या है दोस्तों, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x घाते 4 से x घाते 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा क्या, x घाते 3, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 4x² और बचेगा क्या यहाँ पे 4x और प्लस 5 जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे पहले अब ध्यान दीजिए कितनी बार जाएंगे, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यानी एक ज्यादा है, तो एक बार ही जाए, ज्यादा बार जाएंगे, एक ही बार जाएंगे। x का घात कितना जाएंगे, एक बार जाएंगे। x का x² में गुणा करेंगे क्या जाएगा, x का घात 3 प्लस माइनस माइनस x का x में करेंगे क्या दोस्तों, x का स्क्वायर आ जाएगा, x का एक में करेंगे तो x का x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करनी है, यहाँ घटा देंगे माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। x³ से x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए माइनस 4x² है, यहाँ प्लस x² है, तो घट कितना आ जाएगा, माइनस 3x² और यहाँ 4x है, यहाँ पे x घटेगा, कितना जाएगा, प्लस 3x और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए, अब फिर आगे देखिए, यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन इसके पहले कितना दिख रहा है आपको, माइनस 3 दिख रहा है, तो माइनस 3 बार हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जाएंगे तो माइनस 3 बार जाएंगे तो क्या, तब कट जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 बार जाएंगे x में, x² गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और माइनस प्लस माइनस 3x का 3। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 3x भी कट जाएगा माइनस प्लस में। अब ये 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भागफल और शेषफल निकल गया, यहाँ लिख लीजिए भागफल। भागफल निकालेंगे तो भागफल आपका क्या निकला दोस्तों, x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल अगर निकालना चाहें तो शेषफल कितना निकलेगा, शेषफल कितना निकलेगा दोस्तों, 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा नंबर है दोस्तों। पहले आपको px बराबर जो दिया उसको लिख लीजिए, px बराबर दिया है x^4 माइनस 5x प्लस 6 तथा gx बराबर आपको दिया है 2 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, यहां पर लिखिए आप हल। हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम बनाइए यहाँ पे, एल्गोरिथम बनाने के बाद आपको क्या करनी है, ऐसे लिख लेना, एल्गोरिथम बनाएंगे तो x² कितना लिखेंगे, 4 माइनस 5x और प्लस 6। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले माइनस x² को पहले लिख लेंगे और प्लस 2 को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। समझ आया दोस्तों, इतना करने के बाद
यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बार जाएंगे, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स घाते कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स घाते चार, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का दो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो एक्स का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब करेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, एक्स घाते चार से एक्स घाते क्या हो जाएगा चार, कट जाएगा। अब कितना बचेगा, प्लस टू एक्स का स्क्वायर, प्लस लिखेंगे नहीं, माइनस फाइव एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों सिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू एक्स का स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, तो इससे पहले हम यहाँ पे भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा लेकिन माइनस क्या बच जाएगा, माइनस टू, तो यहाँ कितनी बार जाएंगे, माइनस टू बार, तो टू का यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू एक्स का स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस दो दोनों कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये घट जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए बचेगा माइनस फाइव एक्स, और छह चार कितना हो जाएगा दोस्तों, दस हो जाएगा। तो यही आपका क्या बचा, ये हो जाएगा आपका शेषफल, ये हो जाएगा आपका भागफल। तो लिख लीजिए भागफल बराबर, भागफल बराबर आ गया दोस्तों माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू, और शेषफल आपका आ गया, शेषफल बराबर माइनस फाइव एक्स प्लस टेन, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट देखिए दोस्तों, एट में पहले क्या बोला है, एट बोला है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, देखिए प्रथम बहुपद में सेकेंड बहुपद से भाग करना होगा, भाग करने के बाद अगर शेषफल जीरो आ गया तो गुणनखंड है प्रथम बहुपद का सेकेंड बहुपद, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले चलिए भाग करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। चलिए देखिए दोस्तों आठवें का पहला दिया है टी के घाते दो माइनस तीन कामा टू टी के घाते चार प्लस थ्री टी के घाते थ्री और माइनस टू टी के घाते टू माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है, अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड है, शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए भाग करके ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक दोस्तों। हल लिखने के बाद आप ट्राई करिए, पहले एल्गोरिथम बना लीजिए, एल्गोरिथम बनाने के बाद इसको इस तरफ लिख लीजिए, टू टी के पावर फोर प्लस थ्री टी के पावर थ्री माइनस टू टी का स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, ठीक है दोस्तों। अब क्या करनी है, टी के घाते थ्री टू और माइनस क्या दिया है थ्री, ठीक दोस्तों। अब भाग करिए, यहां देखिए टू 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 टी के घाते कितना है चार है, और यहाँ पे टी के घाते कितना है दो, तो दो कम कर देंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा टू टी के घाते दो, इसका यहाँ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, टू टी के घाते कितना हो जाएगा चार, ठीक है। अब इसमें करेंगे दो तिहाई कितना हो जाएगा छह टी के घाते दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ घटाइए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले देखिए बड़े घात को लिखेंगे क्या बचेगा थ्री टी के घाते थ्री, और यहाँ प्लस में से टू प्लस छह टी स्क्वायर में से टू टी स्क्वायर घटेगा कितना बचेगा दोस्तों प्लस फोर टी का स्क्वायर माइनस नाइन टी और माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पे टी, यहाँ टी स्क्वायर तो पहले से है, टी घाते तीन है तो क्या हो जाएगा थ्री टी का स्क्वायर तो पहले से यहाँ कितनी बार जाएंगे टी बार जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब थ्री टी का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा थ्री टी का क्यूब प्लस माइनस माइनस तीन त्रिक का नौ टी, ठीक है दोस्तों। अब क्या करिए घटा दीजिए इसमें, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो थ्री टी क्यूब से थ्री टी क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा, नाइन टी से नाइन टी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा कितना फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व,
अब कितनी बार जाएंगे ध्यान दीजिए, यहाँ 4t² हो गया माइनस 12 हो गया, इस टी स्क्वायर यहाँ भी है, टी स्क्वायर यहाँ भी, टी स्क्वायर कटेगा कितना जाएगा 4, तो यहाँ कितनी बार जाएंगे 4 बार जाएंगे, 4 का टी स्क्वायर गुणा करेंगे तो 4t² प्लस माइनस माइनस 4 यही 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करनी ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 4t² कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 0, यानी शेषफल क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। तो ये हम इसे क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड है। इसे हम बोला था कि जो प्रथम बहुपद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है नहीं, तो पहले जो प्रथम पद है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो यहां लिख दीजिए गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, जब शेषफल आपका शून्य आ जाएगा तो आपको सिर्फ लिख देनी है गुणनखंड है, यही आपको बतानी है इसमें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवें का दूसरा। देखिए दोस्तों आठवें का दूसरा दिया आपको, x² प्लस 3x प्लस 1 और कामा 3x^4 प्लस 5x^3 माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस कितना दिया है 2। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, भाग कर लेनी है। चलिए हल करते हैं, सेम प्रोसेस वही रहेगा। सबसे पहले आप एल्गोरिथम बना लीजिए, एल्गोरिथम बनाने के बाद इसको लिख लीजिए, क्या है 3x^4 प्लस 5x^3 माइनस 7x^2 प्लस 2x और प्लस 2। ठीक है दोस्तों, इस तरफ क्या है x^2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, भाग करनी है। तो यहां देखिए x² पहले दिया है, यहाँ कितना 3x^4 है, यानी 2 घात यहाँ से पहले ज्यादा है, यानी 2 घात हम कम करके लिखेंगे, तो 3x^2 दो बार इतना बार जाएंगे। अब 3x^2 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा 3x^4। ठीक है दोस्तों, अब 3x² गुणा इसमें करेंगे क्या आएगा, 3 × 3 = 9 x³ और इसका इसमें करेंगे क्या आएगा प्लस 3x²। अब क्या करना है आपको, घटा देनी है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 3x^4 से 3x^4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5x³ और यहाँ 9x³ है, तो 5 में से 9 घटाएंगे बचे कितना माइनस 4x³। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन दोनों माइनस में, माइनस 7 है माइनस 3, तो माइनस 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 जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 10x²। जितना बच रहा है उसको लिख लीजिए प्लस 2x और प्लस 2। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कितनी बार जाएंगे, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो एक बार एक ही दो बार तो यहाँ पहले है x^2 है, यहाँ x^3 है, तो माइनस क्या हो जाएगा कटेगा यहाँ से x², t², t³ भाग देंगे तो 1x बचेगा। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा 4t, माइनस 4t का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4x² क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 यानी 12x क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और 4 प्लस माइनस माइनस 4x² में करेंगे तो कितना आएगा 4x ही आएगा। अब क्या करिए इसको घटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4x³ से 4x³ क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो घटे कितना हो जाएगा 2x² ये 4x है, यहाँ 2x प्लस में है दोनों, तो 4 तो कितना हो जाएगा 6x और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, यानी इसके पहले भी 2 है, दो बार हम जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2x² 2 से इसमें करेंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x और 2 से 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2x² से 2x², 6x से 6x और 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो अतः लिख सकते हैं हम क्या, गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें का
तीसरा, आठवें का तीसरा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आठवें का तीसरा, आठवें का तीसरा है एक्स का क्यूब माइनस 3x² 3x+1 कामा एक्स के घाते 5 माइनस 4x के घाते 3 प्लस x² प्लस 3x और प्लस कितना 1। ठीक है दोस्तों, इतना है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, चलिए ध्यान दीजिए, हल लिखिए। यहाँ पे हल लिखने के बाद आपको एल्गोरिथम बनाना है। एल्गोरिथम बना लीजिए, सबसे पहले क्या ना यार, एल्गोरिथम बनाइए। एल्गोरिथम बनाने के बाद पहले इसको लिख लीजिए x घाते 5 माइनस 4x घाते 3 प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1। इधर क्या है, x घाते 3 माइनस 3x और प्लस 1। यहाँ x घाते कितना दिख रहा है दोस्तों आपको, 5। इधर कितना है, 3। यानी कितने कमी दिख रही है, यहाँ 3 है यहाँ 5, तो कितने कमी है, 2। तो दो बार जाइए, दो बार जाएंगे तो x² का x³ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x घाते 5। x² का 3 में करेंगे, x में तो 3x का क्या हो जाएगा, क्यूब। x² का 1 में करेंगे तो क्या, x² 1 का x² है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या माइनस हो जाएगा। x घाते 5 से x घाते 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है, ये किसमें है, माइनस में। तो घटाएंगे 4x³ में से 3x³ घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस x का क्यूब। अब यहाँ x² है प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये कट जाएगा, x कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये भी x³ है, यहाँ भी x³ है, तो x³ से x³ कटेगा तो कितना चाहिए, माइनस 1 बचेगा। तो माइनस 1 बार जाएंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस x का क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 3x और माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, अब हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ से x³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3x, यहाँ देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3x से 3x भी कट जाएगा, लेकिन 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, ये प्लस बच रहा है, 1 1 2 हो जाएगा, तो ये गुणनखंड नहीं है। ठीक दोस्तों, गुणनखंड नहीं है, यही बताना है आपका, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड है, लेकिन शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया दोस्तों, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः कितने आते हैं, x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4, तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए px बराबर क्या दिया है उसको लिख लीजिए। तो px बराबर आपका है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। जी एक्स बराबर हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, भागफल दिया है, भागफल, तो भागफल कितना दिया लिख लीजिए, x माइनस 2 दिया है। ठीक दोस्तों, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल, तो शेषफल देखा जाए तो शेषफल दिया है माइनस 2x+4 दिया है शेषफल। तो जी एक्स ज्ञात कीजिए, इसमें जी एक्स ज्ञात करनी है, तो चलिए हम हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक फार्मूला होता है, चलिए हल करते हैं। ऐसे ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, जो दिया है पहले इस फार्मूले में रखकर उसको हल कर लीजिए, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको हल करना है। तो भाज्य बराबर ध्यान दीजिए, भाज्य कितना दिया है उसको लिख लीजिए। तो भाज्य आपका दिया है x³ और माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2। ठीक है दोस्तों, बराबर, अब ध्यान दीजिए
इधर भाजक, भाजक पता नहीं, यानी भाजक क्या है आपका जी एक्स, इसी का मान ज्ञात करना है। भागफल आपको दिया है एक्स माइनस टू, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स माइनस टू। प्लस शेषफल कितना दिया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस टू एक्स और प्लस फोर। ठीक दोस्तों, आप क्या करेंगे इसको इस तरह पंचांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी एक्स गुणते एक्स माइनस टू ऐसे ही रहेगा, बराबर में क्या निकलेगा, जब ये इस तरफ आएगा तो क्या एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स और माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा इसको घटा दीजिए, जी एक्स गुणते एक्स माइनस टू ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब भी ऐसे रहेगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एक्स एक्स जुड़ के टू एक्स कितना हो जाएगा थ्री एक्स और चार में से दो घटे कितना चाहिए दोस्तों माइनस दो, कितना समझ आया। अब क्या करनी है आपको, हमें जी एक्स निकालना है तो एक्स माइनस टू कहां जाएगा बटे में, तो जी एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस टू। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है ध्यान दीजिए, इतना आ गया ना, अब भाग कर देनी है एक्स माइनस टू से, इसमें हमें क्या कर देना है भाग कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपका बन जाए तो एक्स माइनस टू से आप क्या करेंगे उसमें भाग कर देंगे। ऐसे बना लीजिए एक्स माइनस टू को इस तरफ लिखिए, इधर क्या लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर बार जाएंगे, जब एक्स स्क्वायर बार जाएंगे तो इसका गुणा करेंगे क्या जाएगा एक्स का क्यूब, हमेशा ये कटना चाहिए दोस्तों, और एक्स स्क्वायर का टू में करेंगे क्या आएगा टू एक्स का स्क्वायर। अब क्या करें इसको हटा दीजिए, ये एक्स है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस टू एक्स स्क्वायर है, तो घटेगा क्या बचेगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और माइनस टू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है, काटेंगे कितना आएगा माइनस एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, जब माइनस एक्स आएगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे क्या जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का टू में गुणा करेंगे क्या जाएगा टू एक्स। अब यहाँ घटाएंगे तो माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स और माइनस टू बार। ठीक है दोस्तों, अब एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितनी बार जाएंगे हम एक बार, एक बार जाएंगे तो वही आएगा एक्स माइनस टू आएगा, फिर घटाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, एक्स एक्स कट जाएगा दोस्तों दो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों शून्य आ जाएगा। अतः हम इधर क्या लिख सकते हैं, अतः जो जी एक्स का मान आया है वो क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ आया, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि बहुपद एक्स घाते चार माइनस छह एक्स घाते तीन प्लस सोलह एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस एक्स प्लस दस को एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के से भाग दिया जाता है तो शेषफल एक्स प्लस ए आता है, तो के तथा ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको के तथा ए का मान ज्ञात करना है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करनी है क्वेश्चन को लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दस में दिया है, पहले बहुपद क्या दिया है पी एक्स बराबर दिया है आपको एक्स घाते चार माइनस सिक्स एक्स घाते थ्री प्लस सोलह एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस एक्स और प्लस दस। ठीक दोस्तों, इतना दिया है, और फिर दूसरा बहुपद क्या दिया है जी एक्स बराबर आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के दिया है, मतलब इतना इससे भाग दिया जाता है, पी एक्स में जी एक्स से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है एक्स प्लस
ए, ठीक है। तो यहां देखिए क्या दिया दोस्तों, शेषफल जो दिया पहले उसको लिख लीजिए, शेषफल दिया आपका क्या x प्लस ए। तो किसका मान ज्ञात करना है, k तथा a, इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, k का भी मान ज्ञात करना है और a का भी मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हल लिखिए और एल्गोरिथम बनाइए। हमेशा इसमें क्या होता है, आपको एल्गोरिथम बनाना होगा। तो चलिए हम एल्गोरिथम बना लेते हैं, एल्गोरिथम बनाइए। एल्गोरिथम बना के इसमें क्या करेंगे, आप भाग देंगे, ठीक है। और किसका मान ज्ञात करना, के और ए का, इतना याद रखिएगा। तो चलिए इस तरफ लिखेंगे क्या, पी एक्स को एक्स घाते चार माइनस छ एक्स के घाते तीन प्लस सोलह एक्स के घाते दो माइनस पच्चीस एक्स प्लस दस, ठीक है दोस्तों। जितना दिया उसको उतना लिख लीजिए, उसके बाद किससे भाग देना है उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस के से भाग करनी है। तो चलिए अब हम भाग देते हैं, कितनी बार जाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ एक्स कितनी बार है, दो बार, यहाँ कितनी बार है देखिए चार बार, यानी हम यहाँ दो पहले से कम है तो यहाँ पे दो, चार में से दो को कम करके जाएंगे कितना आएगा, एक्स घाते दो बार, ठीक है दोस्तों। और हमेशा पहला करना चाहिए ना, याद रखिएगा, जब भी भाग दीजिएगा तो पहला अंक, हमेशा पहला पद जो है वो कटना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का हम एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना हो जाए, एक्स के घाते चार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करनी है, एक्स स्क्वायर का टू में करेंगे, माइनस टू एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स के घाते कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है ये, एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा, घाते तीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर का किस में करेंगे, के में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणा के में हुआ तो के एक्स स्क्वायर हो गया। इतना घटा, इतना करने के बाद हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस रहेगा वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक्स घाते चार से एक्स घाते चार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, जो बचा उसको लिख लीजिए, यहाँ माइनस छह एक्स घाते तीन बचा, यहाँ क्या है प्लस दो एक्स घाते तीन, तो छह में से दो को घटाएंगे कितना चाहिए दोस्तों, माइनस चार, क्योंकि बड़े वाले संख्या के साथ माइनस है, तो छह एक्स चार एक्स घाते तीन। और अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सोलह एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों में देखा जाए तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सोलह एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, अंत में क्या बचा, माइनस पच्चीस एक्स और प्लस क्या, दस बचा, ठीक है दोस्तों। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे पहले देखिए इसमें पहले एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, इसको कॉमन कर लीजिए, तो लिखिए माइनस फोर एक्स घाते थ्री प्लस, यहाँ सोलह माइनस क्या हो जाएगा के, यहाँ से हम एक्स को क्या करें, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, बचेगा माइनस पच्चीस एक्स और प्लस टेन, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले यहाँ कितना दिख रहा है, माइनस फोर एक्स घाते तीन, ठीक है। तो अब कितनी बार जाएंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले से है, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब है, तो जब काटेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को तो एक एक्स बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, माइनस फोर एक्स के घाते थ्री, और यहाँ कितना दिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से जब इसको भाग देंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटेगा तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस फोर एक्स, तो कितनी बार जाओगे दोस्तों, माइनस फोर एक्स, ठीक है। अगर ना समझ आया तो हमेशा इससे भाग कर लिया करिए, तो माइनस फोर एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे क्या है दोस्तों, माइनस फोर एक्स का क्यूब, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब चार दूनी आठ एक्स स्क्वायर, अब यहां देखिए माइनस प्लस माइनस, चार का के में करेंगे तो क्या आएगा, चार के एक्स हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, चलिए घटा लेते हैं, तो जहां माइनस वहां क्या हो जाएगा, प्लस, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए सोलह माइनस, यहां देखिए एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो सोलह यहां देखिए माइनस सोलह कितना है, सोलह सोलह माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस आठ एक्स स्क्वायर, फिर क्या इस स्क्वायर इसके साथ भी, स्क्वायर इसके साथ भी है, तो क्या हो जाएगा, घटा लेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ देखिए अगर सोलह का एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आठ को घटाएंगे
आठ एक्स स्क्वायर है तो 16 में से 8 घटाएंगे कितना चाहिए आठ एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर। इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या चाहिएगा आठ माइनस के एक्स स्क्वायर इतना चाहिएगा। यानी हम यहाँ डायरेक्ट यही लिख सकते हैं आठ माइनस के का एक्स स्क्वायर। ठीक दोस्तों, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ आपको हम समझा दिए ठीक है दोस्तों, माइनस आठ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम घटाए समझा दिए आपको। चलिए अब आगे देख लेते हैं कितना बचा है। अब इतना लिखने के बाद देखा जाए तो प्लस कितना बचा है दोस्तों, यहाँ प्लस फोर के एक्स तो लिख लीजिए प्लस फोर के एक्स, और यहाँ कितना बचा है माइनस पच्चीस एक्स, और प्लस क्या 10 बचा है तो इतना लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखा जाए तो कितनी बार जाएंगे उसको देख लीजिए। ठीक है, बार जाने के बाद जो कट जाएगा सो कट जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे देखिए, इसके पहले क्या दिख रहा है लिख लीजिए 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर और प्लस यहां देखिए एक्स इसमें भी मिल रहा है एक्स इसमें भी मिल रहा है, तो एक्स को कॉमन कर लेंगे बचा क्या 4k माइनस 25 बगल में क्या x और प्लस 10। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब कितनी बार जाएंगे देखिए, x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसके पहले जो है 8 माइनस के उतनी बार चले जाए प्लस 8 माइनस के बार हम जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 8 माइनस के का x स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस के बगल में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, अब 8 माइनस के का इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 कोष्टक में 8 माइनस के और इसके बगल में क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 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 ही रहेगा, इसका गुणा होगा क्या हो जाएगा 8 माइनस के और के बगल में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे इसमें काट देंगे, माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर 8 माइनस के एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो बचा है उसको लिख लीजिए, लिखने के बाद हम हल कर लेते हैं। तो बचा कितना है दोस्तों देखिए, कितना 4k माइनस 25 बगल में क्या बचा है x, तो इसका हम x का अंतर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4kx 25 में x का गुणा करेंगे तो क्या माइनस 25 x और प्लस कितना बचा है 10। ठीक है, अब इसमें इसका गुणा कर लीजिए नीचे वाले में, तो नीचे में इधर 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, x और माइनस कितना 2 का इधर होगा तो माइनस 2kx प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझा। अब आपको क्या करनी है, यहां बचा है माइनस 8 प्लस के, तो माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस 8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, इधर से क्या हो जाएगा के को ऐसे ही रखो। ठीक है, जाने दो, गुणा मत करो उसमें, समझा दोस्तों। अब क्या करना है आपको, चलिए आगे देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपको करनी क्या है इसको ध्यान दीजिए, इसमें अब देखिए जो घटाने लायक कटने लायक है उसको जोड़ घटा के काट दीजिए। जैसे देखिए 4kx है यहाँ पे 2kx है, तो 4kx में से 2kx कटे कितना चाहिए दोस्तों 2kx। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ कितना है माइनस 25x, यहाँ कितना है 16, तो 25 में 16 घटे कितना चाहिए माइनस 9x। ठीक है दोस्तों, उसके बाद माइनस अब क्या बच रहा है यहाँ पे 8 प्लस के और बगल में क्या के। ठीक है, और प्लस कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा, समझा इतना। अब हम आगे देख लेते हैं, इसमें देखिए x कॉमन दिख रहा है तो 2k माइनस 9 बचेगा कोष्टक में और बगल में x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अब माइनस इसमें देखा जाए तो ऐसे ही रहेगा 8 प्लस के और बगल में के प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से जो हम यानी माइनस यहां से कॉमन किए हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों, यहां से हमने माइनस कॉमन किया था तो सॉरी यहां पे हमारा प्लस था, ये भी क्या था प्लस था, ये भी प्लस था, बीच में क्या था आपका माइनस था, तो इसको माइनस आप लगाए रहिए। ठीक है, इसमें नो चेंजिंग करिए। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, यहां पे माइनस था माइनस 8, तो यहां माइनस लगाइए, यहां पे क्या लगाइए माइनस लगाइए, यहां पे क्या लगाएंगे माइनस, तो ये सब माइनस माइनस रहेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले यहां क्या निकला 2k माइनस 9 बगल में x, 8 माइनस k बगल में k और प्लस 10, तो हमारा शेषफल क्या था देखिए, शेष
शेषफल, ठीक है। तो शेषफल हमारा क्या निकला था, क्या दिया था, x प्लस a। तो x प्लस a से तुलना, इसका हम तुलना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो x यहाँ है, x बराबर देखिए, x यहाँ पे है और इस तरफ x क्या है 2k, यहाँ x के पहले कितना एक, तो लिख सकते हैं क्या 2k तुलना करने पर दोस्तों, ठीक है, इसका इसका तुलना करने पर। तो इसके पहले कितना दिया है एक, इस x के पहले क्या दिया 2k माइनस 9 दिया था, लिख लिए। x के पहले कितना दिया एक, एक को लिख लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से क्या 9 को उस तरफ भेजेंगे, तो चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे 9 को उस तरफ भेज देंगे तो 2k बराबर 9 एक कितना हो जाएगा, 9 इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 9 कितना निकलेगा दोस्तों 10। k बराबर निकालेंगे यहाँ से तो 2 × 5 = 10, तो 5 निकलेगा यहाँ से। k का मान क्या निकला दोस्तों 5। अब यहाँ से a बराबर निकालेंगे, देखिए ये इतना जितना बचा है शेष a का मान है, तो यदि हम a बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा दोस्तों, देखिए -8, ये 8 और माइनस के बगल में के प्लस 10, ठीक है दोस्तों, इतना निकला। अब आपको क्या करनी है, माइनस का हम क्या कर देंगे अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे उधर के का गुणा करेंगे, ठीक है। के का मान हमारा दिया भी है, ठीक है दोस्तों, जैसे यहां माइनस का अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो यहां पे क्या बचा है के और प्लस 10। अब ध्यान दीजिए के का मान कितना निकला है 5, तो जहां यहां के वहां कितना रख देंगे अब हम 5, तो -8, ठीक है, यहां पे 8 है, ये जो कोष्टक है इसको बाहर से लगाइए अब, ठीक है दोस्तों, ये कोष्टक बाहर से रहेगा, ये जो कोष्टक है -8 और प्लस के, के का मान कितना निकला है 5 और बगल में 5 + 10, ठीक है दोस्तों। ए बराबर निकालेंगे 8 - 5 या कितना चाहिए -3 और गुड़े में कितना है 5 लिख दीजिए + 10, ठीक है दोस्तों। तो ए बराबर कितना निकले 5 × 15 -15 हो जाएगा + 10। अब ध्यान दीजिए 15 में से 10 घटाएं कितना बचेगा -5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना निकला -5, तो लिख लीजिए यहाँ पे के बराबर कितना निकला 5, ए बराबर निकला -5, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, नंबर दिया है आपका, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 3x^4 + 6x^3 - 2x² - 10x + -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यदि इनके शून्यक दो शून्यक दिए हैं, पहला शून्यक है √5/3 और -√5/3 है, तो दो शून्य अन्य दो शून्यक हमें क्या करना है दोस्तों ज्ञात करनी है। तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शून्यक दिया है उसको लिख लेंगे, तो शून्यक क्या दिया है, शून्यक आपका दिया है पहला x बराबर दिया है √5/3 और दूसरा x बराबर दिया है -√5/3, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहां पे लिखिए आप क्या हल, हल लिखने के बाद इसको अब हम हल करते हैं। चलिए देख लीजिए, चल जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा शून्य हमेशा x के बराबर निकलता है, x को इस तरह पंचांतर करेंगे, बराबर हम हमेशा करके शून्य निकालते हैं, तो इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो क्या आएगा x − √5/3, कोष्टक क्या हो जाएगा दोस्तों बंद हो जाएगा। इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो x प्लस आएगा, क्योंकि माइनस में इस तरह आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में √5/3, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद अब हम देखिए कोष्टक माइनस में है, कोष्टक में प्लस है, वही दो संख्या दोनों में −√5/3 x + √5/3 संख्या वही दिख रही है ना, तो अब क्या करेंगे इसका हम गुणा कर देंगे, मतलब सूत्र में तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा x² − √5/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो x² x² ही होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, रूट में स्क्वायर हट जाता है हमेशा, तो माइनस बचेगा कितना 5/3 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 5/3 निकला है ये क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है, तो यहां लिख सकते हैं कि यह जो है बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है, क्योंकि इसी बहुपद से तो हमारा क्या निकला है,
ये जो बहुपद का गुणनखंड है यही निकला है ना, होगा तो इसी गुणनखंड को लेकर हम क्या करेंगे, अब भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए अब आगे हल कर लेते हैं कि पहले बहुपद क्या दिया है, जो बहुपद दिया रहेगा उसी से इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो सबसे पहले एल्गोरिथम बनाइए। एल्गोरिथम बनाने के बाद सबसे पहले बहुपद क्या निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री। ठीक, और बहुपद क्या दिया है, थ्री एक्स के घाते फोर और प्लस सिक्स एक्स के घाते थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, ये आपका दिया है बहुपद। अब इसी में भाग करके आपको क्या निकालनी है, अन्य दो शून्यक को निकालना है। पहले जो भागफल प्राप्त होगा उसी भागफल से हम अन्य दो शून्यक को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम भाग कर लेते हैं। पहले इसका भाग हम इसमें देंगे, तो यहाँ देखिए थ्री एक्स घाते फोर है, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स घाते चार है, तो चार एक्स है यहाँ पे, यहाँ कितनी बार है, चार बार है, यहाँ दो बार है, दो बार हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, कितना भाग दे देंगे, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स घाते चार भाग देंगे तो एक्स घाते दो बचेगा, उसके पहले तीन है, तो कितना हो जाएगा, तीन एक्स के घाते दो। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, तीन एक्स घाते चार आ जाएगा। अब तीन एक्स स्क्वायर इसमें माइनस में गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखिए तीन का गुणा अगर हम पांच में करेंगे, तीन पचे कितना हो जाएगा, पंद्रह। जैसे देखिए अगर हम इसका यहाँ पे गुणा कर दे, थ्री एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर का गुणा किसमें करेंगे, पांच बटे तीन में, तो तीन से तीन यहाँ कट जाएगा, बचे कितना, पांच एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीन से तीन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो कट जाएगा। अब ये भी दोनों प्लस प्लस में है, तो छह पांच कितना निकलेगा, ग्यारह एक्स, सॉरी ये क्यूब में है, तो यहाँ इसको क्यूब में लिखिए, कितना बचेगा, छह एक्स घाते थ्री और एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स, तो यहाँ पांच एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है, माइनस दो एक्स स्क्वायर, तो पांच में से दो घटे कितना चाहिए दोस्तों, प्लस तीन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, इतना समझा दोस्तों। अब आपको क्या करनी है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर दिया है, तो कितनी बार जाएंगे, अब हम एक बार जाएंगे, एक्स बार जाएंगे, तो इसके पहले छह, तो यहाँ कितनी बार जाएंगे दोस्तों, छह एक्स, तो छह एक्स का जब इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, छह एक्स घाते तीन। अब छह का जब पांच बटे तीन में गुणा करेंगे तो क्या करके देखिए दोस्तों, पांच बटा तीन पहले से इसमें किससे गुणा करेंगे, छह एक्स से, तो तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह दो आ जाएगा, दो पंचे दस एक्स, तो यहाँ कितना निकलेगा, माइनस दस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो कट जाएगा। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दस तीन कितना, सॉरी ये स्क्वायर में है, तो इसको देखिए ये दस एक्स प्लस में, ये दस एक्स माइनस में, तो ये कट जाएगा। अब बचेगा कितना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बचेगा। ठीक है दोस्तों, जो बचा है उसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, अभी भाग जाएगा, तो इसके पहले कितना है, तीन, तो प्लस क्या लिख देंगे आप, तीन लिख दीजिए। अब तीन का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर तीन का गुणा इसमें करेंगे, तीन से तीन कट जाएगा, देखिए पांच बटा तीन है, जब तीन से गुणा करेंगे, तीन से तीन कटेगा, बचेगा कितना, पांच, तो माइनस पांच हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा देखिए भागफल जो निकला है, पहले भागफल को आप लिख लीजिए, तो भागफल आपका क्या निकला है, देखिए यहाँ लिखिए भाग फल, जो भागफल आया कितना है, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस थ्री, इसी को हम बराबर में क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी से हम नेक्स्ट शून्यक निकालते हैं, देखा जाए इसमें तीन तीन मिल रहा है, तो तीन को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, जब तीन को कॉमन करेंगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तीन दूनी छह, टू एक्स और तीन एक का तीन, एक बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तीन को हम जीरो पास भेजेंगे, जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे, ऐसा अब इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए, अब एक एक का एक, एक एक कितना हो जाएगा, दो, तो यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, गुणनखंड करेंगे तो दो दो का जोड़ा बना लीजिए, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स, दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, तो बचेगा कितना, एक्स प्लस वन, इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तभी प्लस वन कॉमन होगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स प्लस वन मिल रहा है, तो एक्स प्लस वन एक कोष्टक में लिख लीजिए, अगले कोष्टक फिर बचेगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो। ठीक दोस्तों,
इतना करने के बाद आपको शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर बारी बारी से जीरो मान लेंगे, तो x प्लस वन बराबर जीरो मानेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा माइनस एक, ठीक है, इससे प्लस में इस तरफ जाएगा किसमें जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना निकला माइनस एक, इसको x प्लस वन बराबर क्या मान लेंगे जीरो, एक उस तरफ जाएगा क्या निकलेगा x बराबर माइनस एक, ठीक है दोस्तों, तो x का दोनों मान कितने निकला माइनस एक माइनस एक, तो अतः हम लिख सकते हैं अन्य दो शून्य क्या है दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य, ठीक है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं दिए गए बहुपद के अन्य दो शून्य क्या है माइनस एक और माइनस एक है, ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझ आया दोस्तों, इसके पहले आपको दो शून्य दिया ही था, दो शून्य के हो गए, तो यही आपके आंसर हो गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यदि बहुपद x घाते 4 माइनस 6x घाते 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक दिए, दो प्लस माइनस रूट में 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, इसके दो शून्यक दिए गए हैं, दो शून्यक हमें बतानी, ठीक है, क्योंकि x घाते 4 है, जितने घात रहता है उतने हमारे शून्यक निकलते, सबसे बड़ा घात कितना x घाते 4, तो सबसे पहले हम शून्यक निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या दिया दोस्तों, x बराबर दिया है दो प्लस माइनस रूट में 3, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें दो को इस तरह पंचांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या जाएगा 2, चलिए पहले इसको हम हल लिख देते तब हल करते हैं, यहां लिखिए हल, हल लिखने के बाद आपको क्या करनी है, इस तरफ x इस क्या है इस तरफ x है, दो को इस तरह पंचांतर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा प्लस माइनस रूट में 3 बचेगा, ठीक है दोस्तों, जो शून्य है उसको लिखे, अब क्या करना है दोनों पक्षों को आपको वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का लिख दीजिए यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या चाहिएगा दोस्तों, x माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर प्लस माइनस रूट में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस टू ए बी यानी 2a का मान 2x और 2 दूनी कितना 4x निकलेगा, ठीक दोस्तों, सूत्र में तोड़ेंगे तो उसके बाद बराबर में स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस हट जाएगा, करड़ी भी हट जाएगी, बचे कितना दोस्तों 3, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखे x स्क्वायर माइनस 4x को ऐसे रहने दीजिए, 4 उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इस तरफ गया, अब एक को इस तरफ भेज लेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, अब इसका हम देखिए एक गुणनखंड मिल गया, ये दिए गए बहुपद का क्या है एक गुणनखंड है, अब इसी गुणनखंड से हम बहुपद में क्या कर देंगे भाग कर देंगे, अब जो बहुपद दिया गया उसी में इससे भाग करिए, चलिए देखते हैं भाग करने पर, अब एल्गोरिथम बनाइए, एल्गोरिथम बनाने के बाद क्या करेंगे, पहले जो बहुपद दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, बहुपद दिया है आपका x के घाते 4 माइनस 6x घाते 3 माइनस 26x के घाते 2 प्लस 138x माइनस कितना दिया दोस्तों 35 दिया, ठीक है, अब हमारा क्या एक गुणनखंड निकला है उससे भाग करना है तो उसको लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 निकला है, इसी से आप इसे भाग कर दीजिए, ठीक है, शेषफल आपका शून्य आएगा, जो शून्य आएगा तो एक भागफल निकलेगा, उसी भागफल का हम क्या निकाल लेंगे गुणनखंड निकाल लेंगे तो वही अन्य शून्य हो जाएंगे, तो चलिए इसमें भाग करते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x घाते कितना है 4 है, यानी 2 यहाँ पहले से है तो 2 इसमें से लेस करेंगे, कितना चाहिए दोस्तों x घाते 2, तो x घाते 2 का x घाते 2 में गुणा करेंगे कितना है x घाते 4, x स्क्वायर का 4 में करेंगे कितना है माइनस 4x घाते 3 और x स्क्वायर का 1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करनी है इतना लिख लेने के बाद हम हमको क्या करना है इसको घटा देना है, तो घटाएं क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, x घाते 4 से x घाते 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसको घटाएंगे 6x घाते 3 में से 4x घाते 3 घटाएंगे कि प्लस में माइनस में तो घटे कितना चाहिएगा माइनस 2x घाते 3 बचेगा, अब यहाँ देखा जाए x स्क्वायर माइनस में ये भी x स्क्वायर माइनस में माइनस 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 क्या हो जाएगा 26 कितना जाएगा 27 x घाते 2, ठीक है दोस्तों, प्लस कितना
38x और -35, जो बचेगा उसको सेम टू सेम ऐसे आप लिख लीजिए। अब लिखने के बाद क्या करनी है आपको, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप कितनी बार गए, आप x घाते 2 बार गए, ठीक है। अब कितनी बार जाएंगे, यहाँ x घात 3 है, यहाँ कितना है x स्क्वायर, यानी 2 लेस करेंगे तो x बचेगा, माइनस कितना बार जाएंगे 2x, तो -2x का यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -2x के घाते 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 × 8x² और 2 × 1 = 2x, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब देखिए 27 है दोस्तों माइनस में, ये भी माइनस में 8, तो कितना 27 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, -35 हो जाएगा, तो 35 लिख लीजिए, बगल में क्या है x² लिख लीजिए, 138 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, +140x और माइनस क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक दोस्तों, यहाँ -35। अब कितनी बार जाएंगे ध्यान दीजिए, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यानी यहाँ 35 स्टार, तो यानी -35 बार हम यहाँ पे जाएंगे। अब -35 का x² गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, -35x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब 35 दूना कितना होता है 135 × 140x और माइनस 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 ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 35 × 35 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हमारा एक भागफल निकला, ठीक है, जो भागफल निकला उसी का हम गुणनखंड करके अन्य शून्य निकालेंगे। भागफल क्या निकला आपका, यहाँ देखिए x² - 2x - 35, इसी को लिख लीजिए, x² - 2x - क्या निकला है, 35 निकला है, बराबर में इसको 0 मानिए। अब इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करनी होगी, ऐसा पहाड़ा पड़िए, पहाड़ा पड़ने पर कितना है 35 है, जोड़ने घटाने पर 2 है, तो 7 × 5 = 35, 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ लिखे x² - 7x और +5x - 35, ठीक है दोस्तों, बराबर 0 मानेंगे। 2 का यहाँ पे आप क्या बनाइए, जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बनाएंगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो x को कॉमन करिए, कोष्टक बचेगा x - 7 प्लस, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है, 35 और 5 में 5 कॉमन दिख रहा है, बचेगा x प्लस माइनस माइनस 5 × 35 बराबर क्या 0, x - 7 मिला है, तो x - 7 को एक कोष्टक लिख लीजिए, अगले कोष्टक बचेगा x + 5 = 0, ठीक दोस्तों। अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर अलग अलग हम 0 मान लेंगे, तो x - 7 = 0 मानेंगे तो x = कितना निकलेगा, 7, इसके बराबर x + 5 = 0 मान लेंगे तो x = कितना निकलेगा दोस्तों, -5, ठीक है दोस्तों। तो दो मान इसके 2 शून्य अलग से निकले, तो अतः लिख दिए, दिए गए बहुपद का अन्य 2 शून्य क्या निकले हैं, अन्य 2 शून्य, तो अन्य 2 शून्य निकले हैं आपके 7 और -5 है, ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, त्रिघात बहुपद x³ - 3√5x² + 13x - 3 कर्णी के अंदर 5 का एक गुणनखंड x- कर्णी के अंदर 5 दिया है, इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों, जो दिया गया इस बहुपद के सभी शून्य को ज्ञात करना है, तो सभी शून्य को निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, x - √5 जो दिया उसे बहुपद में आपको भाग कर देनी, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, पहले बहुपद क्या दिया उसको लिख लीजिए, यानी px = जो दिया उसको लिखिए, px = दिया आपका x³ - 3√5x² और +13x - 3√5, ठीक है दोस्तों, और एकाएक गुणनखंड क्या है x - √5 दिया है, तो ये जो गुणनखंड दिया है वही x का उसी से भाग कर देना है, ठीक है, एक गुणनखंड आपको दिया इतना, तो सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो एक गुणनखंड दिया, जो गुणनखंड दिया उसी से हम इसको भाग कर लेते हैं। चलिए तो हल कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर लिखिए आप हल, हल लिखने के बाद आपको क्या करनी है, पहले एक एल्गोरिथम बनानी है, एल्गोरिथम बनाने के बाद पहले बहुपद जो दिया उसको लिखिए, बहुपद क्या दिया है x³ - 3√5x² + 13x - 3√5, ठीक दोस्तों। अब आपको क्या करनी है,
यहाँ पे कितनी किससे भाग क्या गुणनखंड दिया दोस्तों, एक्स माइनस रूट में फाइव दिया है। तो ध्यान दीजिए कितनी बार जाएंगे, जितनी बार जाएंगे पहले उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ क्या एक्स, यानी हम कितनी बार जाएंगे दोस्तों एक्स के स्क्वायर, एक कम करके जाएंगे क्योंकि एक एक्स पहले से यहाँ दे दिया है। एक्स स्क्वायर गुणा एक्स में करेंगे कितना आएगा, एक्स के घाते तीन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का माइनस रूट में फाइव में करेंगे तो क्या माइनस रूट में फाइव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, आप घटा दीजिए, चलिए घटा दीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा। अब ये देखिए रूट फाइव क्या हो जाएगा, एक रूट फाइव एक्स स्क्वायर है, यहाँ थ्री रूट में, ये प्लस नहीं माइनस में, कितना चाहिए दोस्तों घट जाएगा, तो बचेगा टू रूट में फाइव एक्स स्क्वायर और प्लस तेरह एक्स माइनस थ्री रूट में फाइव। समझा दोस्तों, चलिए आगे हल कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यानी हम क्या करके जाएंगे माइनस टू रूट में फाइव एक्स बार जाएंगे, इसको एक्स से काटेंगे एक एक्स कट जाएगा और एक रूट टू फाइव बचेगा, टू रूट फाइव बचेगा, बगल में एक्स हो जाएगा। अब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू रूट में फाइव एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो दो पंचे कितना जाएगा, दो ऐसे रहेगा रूट में पांच में रूट में पांच गुणा का रूट हट जाएगा तो कितना जाएगा, दो पंचे कितना जाएगा दोस्तों दस एक्स। अब इसको भी क्या करिए आप घटा लीजिए, चलिए घटा लेते हैं तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया प्लस, तो ये तो कट जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ सॉरी ये प्लस में किसमें माइनस में, तो घटेगा कितना चाहिएगा थ्री एक्स और माइनस थ्री रूट में फाइव एक्स, ठीक है दोस्तों, रूट में थ्री रूट में फाइव। अब ध्यान दीजिए इसके यहाँ एक्स है, वहां भी क्या है एक्स, एक्स के पहले कितना दिख रहा है थ्री, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे थ्री। अब थ्री का गुणा करेंगे एक्स में कितना आएगा थ्री एक्स और इसका रूट क्या करेंगे तो माइनस थ्री रूट में क्या आ जाएगा फाइव। अब इसको हम क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे तो कितना चाहिएगा दोस्तों शून्य। तो अब हम देखेंगे भागफल क्या है, जब इतना आ जाता है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, भागफल निकालते हैं। देख लीजिए जो भागफल आया उसको लिख लीजिए भाग फल। तो भागफल क्या है आपका, भागफल निकला है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट में फाइव एक्स प्लस थ्री, ठीक दोस्तों। जो भागफल निकला है उससे हम क्या निकालेंगे, पहले ए बी सी से हम क्या गुणनखंड करते हैं, लेकिन इसका गुणनखंड बनेगा नहीं, रूट में यहां थ्री दिया इसका गुणनखंड नहीं बनेगा। जब इसका गुणनखंड नहीं बनेगा तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए ए का मान निकाल लीजिए, यहाँ ए का मान क्या निकलेगा एक, बी का मान निकालेंगे तो माइनस टू रूट में फाइव आ जाएगा और सी बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान इतना निकालने के बाद आपको क्या करनी है, तो सबसे पहले हमारा एक सूत्र होता है द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करिए, यहां लिखिए द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का प्रयोग लिखिए क्या होता है, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान क्या होता है टू ए, ठीक है दोस्तों। यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूले में रख के इसको हल करेंगे। तो x बराबर निकालेंगे, शून्य का निकालना है तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस ऐसे रहेगा, b का मान कितना माइनस टू रूट में फाइव दिया है, बंद करिए, यहां लगाइए प्लस माइनस रूट में b का मान क्या दिया है माइनस टू रूट में फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान एक इंटू सी का मान थ्री दिया है। अब बटे में क्या लिखेंगे टू ए, ए का मान क्या दिया दोस्तों एक दिया है, ठीक है। अब फिर एक्स बराबर निकालेंगे यहां से, इसका देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा टू रूट में फाइव, प्लस माइनस ऐसे रहने दीजिए रूट में, जब इसका स्क्वायर करेंगे दो का स्क्वायर कितना होगा चार, और दो का स्क्वायर कितना होगा चार, और रूट में स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो चार पंच कितना हो जाएगा दोस्तों बीस हो जाएगा, माइनस चार एक का चार तिहाई बारह, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे दो एक का दो, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे देख लेते हैं, अब आपको क्या करनी है, एक्स को ऐसे रहने दीजिए टू रूट में फाइव को ऐसे रहने दीजिए, प्लस माइनस इसको घटाएं कितना बचेगा आठ बचेगा और बटे में कितना दो। तो अब ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो रूट में फाइव प्लस माइनस रूट में आठ को लिख सकते हैं दो गुड़ते दो गुड़ते दो बटे कितना दो। अब फिर एक्स बराबर निकालेंगे इसमें देखिये दो दो का जोड़ा बना दो बाहर निकल जाएगा तो बचेगा टू रूट में फाइव प्लस माइनस
टू कामन हो जाएगा, बचेगा टू, रूट में कितना बचेगा टू और बटे में टू। इसमें देखिए दो दो मिल रहा है, दो दो को काम, दो कॉमन कर लेंगे तो बचेगा रूट में फाइव प्लस माइनस रूट में टू और बटे कितना टू, टू से टू क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यक्स का दो मान निकलेगा रूट में फाइव प्लस रूट में टू और एक बार निकलेगा रूट में फाइव माइनस रूट में टू। यही आपके अन्य दो क्या हो जाएंगे दोस्तों, शून्य हो जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो शून्य पहले दिया था, दो शून्य एक गुणनखंड दिया था, दो शून्य यहां से हमारा निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, उसको लिख लीजिए। पहले बोला है ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए के शून्य बहुपद पी एक्स एक्स घाते फाइव माइनस एक्स घाते फोर माइनस फोर एक्स घाते थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी के भी शून्य होंगे। पी एक्स के कौन से शून्य, क्यू एक्स के शून्य नहीं है, यही बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम भाग विधि से उसको हल करते हैं। तो पहले जो पी एक्स का मान, पी एक्स बराबर दिया उसको लिख लीजिए। तो पी एक्स बराबर दिया है आपको एक्स के घाते फाइव माइनस एक्स के घाते फोर माइनस फोर एक्स के घाते थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी। ठीक है दोस्तों, और क्यू एक्स बराबर दिया है, क्यू एक्स बराबर दिया है आपको एक्स के घाते थ्री प्लस टू एक्स के स्क्वायर प्लस फोर। ठीक, अब इतना सॉरी ये फोर नहीं, यहाँ ए है क्योंकि ए का हमें मान ज्ञात करना है। अब इसी से हम क्या करेंगे, मान को निकालेंगे। तो चलिए पहले हम हल कर लेते हैं, यहाँ पर लिखिए हल, हल करने का पता चलेगा किसका क्या मान निकलेगा। तो सबसे पहले एल्गोरिथम बनाइए, एल्गोरिथम बनाने के बाद क्या करनी है आपको, सबसे पहले इसको लिख दीजिए एक्स के पावर फाइव माइनस एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स के पावर थ्री प्लस थ्री एक्स के स्क्वायर प्लस थ्री एक्स और प्लस बी। ठीक है दोस्तों, और भाग किससे करनी है, एक्स के पावर थ्री और प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करनी है, इससे भाग दीजिए। तो यहाँ एक्स के पावर फाइव है, यहाँ एक्स पावर थ्री है, कितनी बार जाओगे, दो बार, क्योंकि थ्री पहले से ही है। तो एक्स पावर थ्री टू का एक्स पावर थ्री में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर फाइव आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे, टू में, तो प्लस ही रहेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के एक्स घाते चार हो जाएगा, तो टू एक्स के घाते कितना हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स के घाते फोर माइनस फोर एक्स के घाते थ्री, जो बचेगा उसको लिख लीजिए। और फिर कितना बचेगा, यहाँ देखिए ये सॉरी इसका गुणा भी नहीं किए थे ए का, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर को लिख लीजिए, ये भी ए एक्स स्क्वायर, यहाँ थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी घटाएंगे तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस थ्री माइनस ए बगल में क्या एक्स स्क्वायर, और जो बचा उसको लिख लीजिए प्लस थ्री एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कितनी, यहाँ देखिए एक्स घाते चार, यहाँ एक्स घाते तीन है, तो कितनी बार बचेगा, तीन से काटेंगे तो घट जाएगा, बचेगा एक एक्स बचेगा, तो माइनस कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स को बचाना, तो माइनस थ्री एक्स बार जाइए, तो माइनस थ्री एक्स इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस थ्री एक्स के घाते फोर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस तीन दूनी छ, एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा एक्स घाते तीन माइनस प्लस माइनस तीन का ए में करेंगे तो क्या आएगा थ्री ए एक्स। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब क्या करनी है, ध्यान दीजिए, घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तीनों प्लस हो जाएंगे, पहला तो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए प्लस में यहाँ प्लस सिक्स एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस फोर एक्स क्यूब है, तो घटाएंगे कितना बचेगा टू एक्स के पावर क्यूब। ठीक है दोस्तों, और प्लस यहाँ देखा जाए तो यहाँ थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे
पहले 2x³ प्लस 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, और प्लस अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस 3 ए एक्स है और यहाँ पे क्या दोस्तों 3 माइनस ए एक्स, तो 3 में से एक घट जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 3x है, यहाँ कितना है 3, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों प्लस 3 माइनस 3 ए, ठीक है दोस्तों। और बगल में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि देखिये x इसमें भी x इसमें है, x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3 प्लस, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3 है, और प्लस क्या बचेगा दोस्तों b बचेगा, ठीक है। अब कितनी बार x³ यहाँ भी x³ यहाँ पे, कितनी बार जाएंगे अभी 2 बार जाएंगे, तो 2 बार लग जाएंगे कितना हो जाएगा 2x के पावर 3, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x के घाते 2, अब 2 का इसमें करेंगे कितना आएगा दोस्तों 2a आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको घटा लेंगे, घटाइए, जब घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये x स्क्वायर है, ये भी कितना है x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर का हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस में ये तो घट जाएगा 3, तो क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, देखिए माइनस 4 में से 3 घटेगा, x स्क्वायर दोनों बगल में है तो माइनस 4 में से 3 घटेगा कितना माइनस 1 बचेगा माइनस a बचेगा, अब बगल में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है प्लस, अब देखिए यहाँ 3 प्लस 3 a है ना, बगल में x है उसको लिख लीजिए, तो 3 प्लस 3 a बगल में क्या x माइनस 2 a और b को लिख लीजिए, तो प्लस क्या लिखेंगे b माइनस 2 a ऐसे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखा जाए तो इसमें से माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस को कॉमन कर लेते, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे इसके बराबर शून्य शेषफल आ गया, इसके बराबर हम क्या मान लेंगे शून्य मान लेंगे, चलिए इसको देखिए हम बराबर हम शून्य मान लिए। अब शून्य मानने के बाद क्या करेंगे ध्यान दीजिए, यहां शून्य हो गया, इसके बराबर में शून्य मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे माइनस 1 माइनस ए बराबर क्या शून्य, तो क्या होगा ये उस तरफ जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहां से यहां आप चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस नहीं कॉमन लेना चाहते तो यहां क्या हो जाएगा तब भी वही आएगा, तो माइनस 1 और माइनस ए बराबर हम क्या लिखेंगे, अब ये क्या हो जाएगा ए माइनस ए कैसे रहेगा, ए उस तरफ चला जाएगा, ए बराबर कितना निकलेगा दोस्तों माइनस 1 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 ए बराबर क्या मान लेंगे शून्य मान लेंगे, तो 3 ए बराबर क्या निकलेगा उस तरफ जाएगा तो माइनस 3, 3 से 3 काटेंगे तो ए बराबर क्या निकलेगा दोस्तों माइनस ए, तो यहाँ ए का मान माइनस 1 निकला, और हम बी का मान निकालेंगे तो b माइनस 2 ए बराबर 0 मानेंगे, b माइनस 2 इंटू ए का मान माइनस 1 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b प्लस 2 बराबर 0, अगर हम b बराबर निकालेंगे तो माइनस 2 इस तरह जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इतना समझा है। अब इतना जब निकल गया तीन मान निकला यहां से, तो अतः क्या लिख सकते हैं हम, चलिए आगे देखिए, तो लिख दीजिए यहां पे अतः आता है ए बराबर माइनस 1 और बी बराबर माइनस 2 निकला, ठीक है के शून्य इतने के शून्य निकले, इसके दो शून्य निकले। अब हम बहुपद इसमें पी एक्स भी शून्य है, अगर अतः हम क्या लिख सकते हैं यहां लिखते हैं अतः बहुपद पी एक्स भी क्या है, अतः बहुपद पी एक्स भी शून्य है, जब शेषफल शून्य निकला तो बहुपद पी एक्स भी क्या निकल जाएगा शून्य निकल जाएगा। अब देखिए जी एक्स भाग तो हो गया, अब आपने देखा जो निकला है उसी से हम पी एक्स और जी एक्स को देखे लिख लेते हैं, तो सबसे पहले आपका देखे पी एक्स बराबर हो जाएगा, एक सूत्र होता है आपका पी एक्स बराबर क्या निकला और जी एक्स बराबर जो निकला उसको लिख लीजिए, तो सबसे पहले हल करेंगे पी एक्स बराबर क्या दिया है एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 माइनस 4x के पावर 3 प्लस 3x के स्क्वायर प्लस 3x और प्लस कितना निकला b का मान माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, और gx बराबर क्या निकलेगा क्योंकि a का मान माइनस 1 निकला है तो अब निकल जाएगा ये x³ प्लस 2x² और a का मान क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों ये निकल गया।
अब इसी से हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या होगा, एक भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। इतना लिखिए, इतना लिखने के बाद इसी फार्मूले में उस मान को रख दीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, भाजक कितना दिया है, एक्स घाते 3 प्लस 2x² - 1 इंटू भागफल कितना निकला था दोस्तों, x² - 3x + 2 निकला, और शेषफल कितना निकला, 0 निकला। जो निकला उसको ऐसे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या करनी है, ये तो पहले से भाजक था ही, इससे तो भाग ही दिया गया, ये का मान तो निकल गया ही है। अब आपको करना क्या है, बताना है गुणनखंड है कि नहीं। तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 × 1 = 2, तो x² - क्या लिख सकते हैं, 2x - x + 2 = 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से x दो दो का जोड़ा बना लीजिए, इसमें से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे बचेगा x - 2, और -1 कॉमन लेंगे बचेगा x - 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में x - 2 और एक कोष्टक क्या आएगा, x - 1 = 0। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको अब अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो x - 2 = 0 मानेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, 2। x - 1 = 0 मानेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, 1 निकलेगा। तो इन दोनों के अलग अलग मान निकले हैं, x = 2 निकला है, x = कितना निकला है, 1 निकला है। तो तब अतः हम कह सकते हैं क्या, जिसके 2 निकल गए इसके क्या निकल गए, 1। उसमें क्या निकले थे, माइनस में निकले थे, इसमें क्या निकले हैं, प्लस में। तो अतः लिख देंगे जो px है वो qx के शून्यक नहीं है। अतः लिख दीजिए 1 और 2 qx के शून्यक नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ में आया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, यदि x² + 2x² + kx + 3 को x - 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। यदि इसके बाद त्रिघात बहुपद भी ज्ञात इसका करना है। ठीक है दोस्तों, जो दिया उसका करना है। तो सबसे पहले 15 का देखिए, px बराबर क्या दिया उसको लिख लीजिए। तो px बराबर दिया है x³ + 2x² + kx + 3। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, इसमें शेषफल क्या दिया उसको लिख लीजिए। तो शेषफल दिया है, शेषफल बराबर दिया है 21। ठीक है दोस्तों, शेषफल कितना दिया है, 21 दिया है। अब हम क्या करेंगे, px बराबर लिख लेंगे, जो px बराबर दिया है। तो px बराबर दिया है आपका x³ + 2x² + kx + 3। यही दिया है ना, यहीं से हम हल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहां पे लिख लीजिए हल। अब ऐसा कोई मान रखिए यहां पे जो इसका योग क्या है, 21 है। तो यहां पे हम कितना रखते हैं, यहां पे दोस्तों 3 रखते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना, 3 पर 3 का यहां क्यूब, 3 रखेंगे 3 का क्यूब हो जाएगा x की जगह, प्लस 2 × 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस k × 3 हो जाएगा, प्लस 3 = 21। शेषफल कितना था, 21 था। तो बराबर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, 21, 3 × 3 = 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस 3 × 9 = 18, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3k और प्लस 3 = कितना, 21 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको जोड़ लीजिए, अगर हम यहां से क्या निकालें, 3 इस तरफ चला जाएगा तो घट जाएगा, 27 + 18 + 3k, 3 उस तरफ जाएगा कितना, 21 में 3 घट जाएगा कितना चाहिए दोस्तों, 18, 18 इस तरफ भी, 18 उस तरफ भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 27 + 3k = 0। 27 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 3k - 27, 3 से काटेंगे 3 × 9 = 27, k = कितना निकलेगा, -9। ठीक है, तो k बराबर दोस्तों आपका एक मान निकला -9। अब आप क्या करेंगे,
इसी मान से हम आगे अब हल करेंगे। के का मान निकल गया, अब हमें किसकी मान निकालनी है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। के का मान रख के जो के दिया था वहां पे हम क्या रख देंगे, माइनस नौ। यहां जो के दिया था दोस्तों यहां पे माइनस नौ रख देंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो अब क्या बनाइए, एल्गोरिथम बनाइए दोस्तों। एल्गोरिथम बनाएंगे तो बहुपद क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। तो के का मान निकला माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा नाइन एक्स और प्लस थ्री। ठीक है दोस्तों, और किससे भाग देनी है, एक्स माइनस थ्री से भाग देनी है, क्योंकि एक्स बराबर तीन रखने पर ये कट गया है। तो अब हम कितनी बार जाएंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसमें, एक्स में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स घाते तीन, एक्स स्क्वायर का माइनस तीन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तीन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना, ध्यान दीजिए, टू एक्स स्क्वायर और कितना होता है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में, तो जुड़ कितने हो जाएंगे फाइव एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों नाइन एक्स। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों नाइन एक्स, तो माइनस क्या लिखेंगे नाइन एक्स प्लस थ्री। इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए, अब कितनी बार जाएंगे, यहां प्लस फाइव है ना, तो फाइव एक्स बार जाइए, फाइव एक्स का यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पांच यही पांच एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स वाले से और प्लस माइनस माइनस और पांच यही पंद्रह एक्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, यहां पे घटा देंगे, यहां माइनस यहां क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस घटाएंगे कितना जाएगा दोस्तों नौ छह पंद्रह, तो छह एक्स प्लस कितना हो जाएगा तीन। अब कितनी बार जाएंगे देख लीजिए, यहाँ छह एक्स है यहाँ एक्स है, कितनी बार जाएंगे दोस्तों छह बार जाएंगे, तो छह का हो जाएगा गुणा करेंगे तो छह एक्स प्लस माइनस माइनस छत्री अठारह। अब क्या करना है आपको, घटा देना है, तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, तो अठारह तीन कितना आ गया इक्कीस आ गया, तो शेषफल कितना है दोस्तों इक्कीस आया। अब हमसे भागफल से मतलब इसमें, तो भागफल कितना है उसको लिख लीजिए, भागफल, तो भागफल आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और प्लस सिक्स। इतना जब भागफल आ जाएगा, अब इसी का क्या निकाल लेंगे हम, पहले बहुपद का हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो भागफल जो है, चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या करना है, ये भागफल रहा। अब आपको क्या करनी है, पूरा बहुपद क्या दिया था, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस नाइन हो जाएगा, यहाँ के था तो क्या हो जाएगा माइनस नाइन निकला है, नाइन एक्स हो जाएगा और प्लस थ्री बराबर, एक बहुपद क्या निकला है एक्स माइनस तीन निकला है, ये क्या निकला है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके तीन यहाँ से बहुपद निकले हैं और शेषफल क्या था दोस्तों आपका इक्कीस। तो यही तोड़ोगे तो इतना ऐसे आ रहा है। अब क्या करना है, एक्स माइनस तीन को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर तीन दूनी छः तीन थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस छः और प्लस कितना रहेगा इक्कीस रहेगा, दो दो का यहाँ जोड़ा बना लीजिए, तो एक्स माइनस थ्री को ऐसे रहने दीजिए, तो इसमें से क्या होगा एक्स कॉमन हो जाएगा, तो कैसे क्या एक्स प्लस थ्री प्लस टू कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस थ्री और प्लस ट्वेंटी वन। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा एक्स माइनस थ्री, इसको क्या करेंगे एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू, ठीक है, और प्लस ट्वेंटी वन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब हम अलग अलग अगर बराबर जीरो ले लें तो एक्स बराबर कितना निकलेगा तीन निकलेगा, एक्स बराबर माइनस तीन निकलेगा, एक्स बराबर क्या निकलेगा माइनस दो। ठीक है, तो अतः बहुपद के शून्यक क्या निकलेंगे, जो शून्यक निकले हैं ये जो बहुपद हैं, बहुपद के शून्यक क्या निकलेंगे आपको तीन कामा माइनस तीन और माइनस दो, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।